हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट वॉर मोटरबाइक। तो आज के वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ मैं हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक मॉडल का, जो कि BS7 मॉडल है या फिर आप BS6 फेस 2 भी कह सकते हैं। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो गाइस ये रहा सुपर स्प्लेंडर का BS7 मॉडल, जिसके अंदर आपको अच्छे खासे मेजर अपग्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लुक्स की बात करते हुए। लुक्स में चेंजेस हैं। फ्रंट में आपको देखने को मिलती है नई LED हेडलाइट, जो कि कुछ ऐसे डिज़ाइन के अंदर आती है। 3 लेयर होते हैं यहाँ पर एक, और ये DRL देखने को मिलती है, डे टाइम रनिंग लाइट। यहाँ पर डे टाइम रनिंग लाइट मिल जाती है, 3 लेयर आते हैं, पहला दूसरा तीसरा 3 लेयर। और यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है आपको। हीरो की बैजिंग मिल जाती है, क्रोम फिनिश देखने को मिलता है, यहाँ पर काउशन लिखा है। और यहाँ पर आपको मैट ग्रे कलर देखने को मिलता है, जिसके ऊपर सिल्वर एक्सेंट है। और यहाँ पर स्टिकर मिलता है रेड कलर का, तो ये स्टिकर जाते हैं इसके। तो फ्रंट में आपको दोनों साइड स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रंट का जो लुक आता है कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इंडिकेटर्स आपको वही मिलते हैं हैलोजन वाले, बाकी इसका मडगार्ड बॉडी कलर देखने को मिल जाता है अपने को। तो इसके जो मडगार्ड के ऊपर ये जो स्टाइल है, इससे बाइक थोड़ी बहुत बल्की लगती है मडगार्ड की वजह से। और नीचे की तरफ देखेंगे तो बाकी आपको बाइक नीचे से तो सेम लगेगी, टायर्स को देखते हैं तब। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल पर। बाइक की साइड प्रोफाइल में आपको समझ में आएगा कि बाइक के अंदर स्टिकर्स के बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नया कलर आ चुका है, उसी के साथ यहाँ पर आपको एक्सटेक की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक्सटेक मॉडल है। यहाँ पर एक्सटेक की ब्रांडिंग, यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। पुराना ही डिज़ाइन है ये लिखा हुआ, लेकिन आपको पूरी गाड़ी नई मिलती है। यहाँ पर देखने को मिलते हैं नए स्टिकर्स, अट्रैक्टिव होते हैं। i3S आता है इसके अंदर, इसलिए i3S की बैजिंग मिल जाती है आपको, इंजन वही मिलता है आपको। और यहाँ पर देखने को मिलती है हीरो की बैजिंग, और ये स्टिकर्स ग्रैबरेल के अंदर हो जाते हैं मिक्स। तो यहाँ पर प्रॉपर ग्रैबरेल देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं रियर की प्रोफाइल पर। तो रियर प्रोफाइल कुछ ऐसी आपको देखने को मिल जाती है। बाइक को ओवरऑल देखते हैं, 360 दिखा दूँ आपको एक बार। ये है इसकी राइट साइड की प्रोफाइल, और ये है इसकी फ्रंट प्रोफाइल। चलिए फ्रंट प्रोफाइल पर और लेफ्ट साइड की भी बता देता हूँ और एक बार आपको। तो ओवरऑल अपग्रेड देखने को मिलता है इसके स्टिकर्स में, नए लुक्स में। तो मेजर अपग्रेड लगा मुझे इन टर्म्स ऑफ लुक्स। आपको लुक कैसे लग रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, जो कि हीरो के दूसरे बाइक से लिया गया है। यहाँ पर आपको फुल डिजिटल मीटर मिल जाता है, प्रीवियस मॉडल में आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता था या सेमी डिजिटल। इसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, हीरो की ऐप कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, साइड स्टैंड इंडिकेटर, यहाँ पर आपको इंडिकेटर वाला इंडिकेटर, लो बीम हाई बीम, यह है इंजन ट्रबल लाइट। और यहाँ पर देखने को मिलती है आपको i3S की लाइट, यहाँ पर न्यूट्रल लाइट, यह है लो फ्यूल इंडिकेटर। और आपको सेंसर सारे देखने को मिल जाते हैं। जैसे ही ऑन करता हूँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है। इसके अंदर शायद से टैकोमीटर नहीं आता, और मोड वाला बटन देखने को मिलता है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, और यहाँ पर ओडोमीटर बताता है। इसके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं। इसी के साथ नीचे की तरफ चले तो यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिल जाता है अपने को, मतलब आप आराम से इस बाइक से मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग राइड्स पर जाते हैं या घर से दूर हैं, चार्जर नहीं है, तो आप इसके ऊपर डेटा केबल कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बटन्स की। तो आपको राइट साइड में देखने को मिलता है i3S ऑन ऑफ स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्ट वाला बटन। और लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाती है पासिंग स्विच, और यह है लो बीम हाई बीम स्विच। इसके नीचे आपको देखने को मिल जाता है इंडिकेटर वाला बटन, और यह आता है हॉर्न, नॉर्मल सा हॉर्न देखने को मिलता है इसके अंदर आपको। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल सेक्शंस पर। तो फ्रंट में आपको देखने को मिलती है LED हेडलाइट, ये एक अपग्रेड है। और रियर की बात करें तो रियर में इलेक्ट्रिकल्स में हैलोजन वाली टेल लाइट देखने को मिलती है आपको, LED टेल लाइट देखने को नहीं मिलती। इंडिकेटर्स आपको सेम हैलोजन वाले देखने को मिल जाते हैं, बाकी सिर्फ इसके अंदर आपको LED की हेडलाइट मिलती है, बाकी सारा का सारा सेम देखने को मिलता है इसका इलेक्ट्रिकल सेक्शंस। सस्पेंशंस की बात करें तो फ्रंट में देखने को मिलता है आपको टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन सेम। और रियर में बता दूं तो रियर में ट्विन स्विंग आर्म मिलते हैं, जो कि 5 टाइम एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। तो स्विंग आर्म में भी कोई बदलाव नहीं है, दोनों साइड मिलते हैं स्विंग आर्म, मोनोशॉक नहीं आता इसके अंदर। और रही बात टायर्स की, तो टायर्स आपको देखने को मिलते हैं फ्रंट में 80/100 18 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिलता है इसके अंदर। और यहाँ पर देखने को मिलते हैं ट्यूबलेस टायर, 80mm की वाइडनेस है। और रियर की बात करें तो रियर में शायद से सेम टायर होगा, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मोटाई दिख रही नहीं मुझे। हाँ 90mm का टायर है, फिर भी SP125 से तो मोटा टायर देखने को मिल जाता है आपको।
और 90-90-18 इंच का ही अलॉय व्हील देखने को मिलता है रियर के अंदर। SP125 से तो मोटा टायर मिल जाता है इसके अंदर, क्योंकि SP125 में 80 का ही टायर आता है रियर में। अब बात कर लेते हैं ब्रेकिंग की, तो फ्रंट में आपको देखने को मिलती है एक डिस्क का ऑप्शन आता है और आता है डुअल ड्रम ब्रेक। यहाँ पर फ्रंट में आपको डुअल ड्रम ब्रेक मिलेगा, मतलब यहाँ पर एक ब्रेक होगा, पीछे भी एक ड्रम होगा, और ये IBS ब्रेकिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम होगा। रियर ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो फ्रंट ब्रेक भी थोड़ा बहुत अप्लाई होगा, क्योंकि डबल वायर जाते हुए आपको दिख जाएंगे। और रियर पे चलते हैं, दोनों ही ड्रम का साइज आपको 130mm वाला देखने को मिल जाता है। रियर में भी आपको 130mm वाला ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। बहुत ही कम बाइक है जिसमें आपको डुअल डिस्क का ऑप्शन मिलता है 125cc कैटेगरी की, और इन सब बाइक्स में तो आएगा नहीं क्योंकि ये कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की, जो कि सबसे बड़ा अपग्रेड है। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 125cc का एयरकूल्ड सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक टू वेल्व BS6 फेज टू कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। फेज टू मतलब आपको बता दूं OBD2 सेंसर इसके अंदर आ जाता है, और ये E20 पेट्रोल को सपोर्ट करता है इंजन। अगर आप इथेनॉल प्लस पेट्रोल का मिक्सर यूज़ करेंगे, 20% इथेनॉल होगा उसके अंदर, E20 का मतलब वो होता है, E20 पेट्रोल अलग से आने वाला है, तो वो पेट्रोल इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। ये BS6 फेज टू और E20 पेट्रोल कंप्लाइंट इंजन देखने को मिल जाता है। और बात करें पावर की, तो आपको मैक्सिमम पावर देखने मिलती है 10.84 PS की 7500 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क देखने मिलता है 10.6 Nm का 6000 RPM पर, और इसके अंदर आपको 5-speed गेयरबॉक्स देखने को मिल जाते हैं। बाइक का जो पिकअप है और माइलेज है, माइलेज भी आपको बता देता हूँ लगे हाथ, तो माइलेज आपको लगभग 60 से लेकर 65 का मिल सकता है इससे माइलेज, और किसी किसी को 67 का ही मिलता है माइलेज, क्योंकि सुपर स्प्लेंडर माइलेज की वजह से बहुत ज़्यादा बिकती है और इंडियन मार्केट में इसकी माइलेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और इसके अंदर आपको किक भी देखने को मिलता है, किक हटाया नहीं है, अभी भी किक मिलता है, सेल्फ स्टार्टर भी आता है, तो स्टार्टिंग करने में कभी बैटरी ख़राब हो गई तो किक होता है बैकअप के लिए, उससे आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। रही बात माइलेज की, तो आपको 60 से 65 का माइलेज आपको बता दिया। आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए तो ये बाइक बहुत अच्छी रहेगी अगर 125cc कैटेगरी का आपका बजट चल रहा है। तो गाइज़ आप बात कर लेते हैं इसके सीट हाइट और सीट की, तो सीट आपको बहुत अच्छी ब्रॉड देखने को मिलती है, जैसे कि आपको बता दूं यहाँ पर अच्छी खासी चौड़ी सीट मिलती है, हाथ रखते हुए आपको बता रहा हूँ, और ये सीट हाइट आपको देखने को मिलती है, और आपको इसकी सीट हाइट मिलती है 793mm की। अगर आपकी हाइट 5'3" भी है तो आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं, उससे कम है तो एक बार टेस्ट राइड करके देखो, आपको चलाने को जमती है तो आप ले सकते हैं। और रही बात पिलियन की, तो पिलियन कम्फर्ट भी आपको अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि पिलियन के लिए अच्छी खासी मोटी सीट आती है और प्रॉपर ग्रैब लाते हैं, क्योंकि कमेटर बाइक है, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, स्पोर्ट्स बाइक से कंपेयर करेंगे तो कंफर्टेबल ये बाइक रहेगी एज कम्पेयर टू, जैसे कि स्पोर्ट्स बाइक आती है वैसे सीट्स नहीं आते, फ्लैट सीट देखने को मिलती है और सिंगल पीस सीट। और यहाँ पर आपको बता दूं ग्राउंड क्लियरेंस, तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाता है 180mm का, बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, और इसके अंदर आपको मेन स्टैंड, साइड स्टैंड और साइड स्टैंड में इंजन कट ऑफ सेंसर देखने को मिल जाता है। 180mm ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा होता है इस बाइक का। अब बात कर लेते हैं इसके वेट की, तो अपडेट हुआ तो आप समझेंगे कि वेट बढ़ा या कम हुआ, तो सेम वेट के साथ आती है बाइक। अगर आप ड्रम वेरिएंट लेते हैं तो आपको 122kg की मिलती है, 122 किलोग्राम, अगर आप डिस्क वेरिएंट लेते हैं तो आपको 123kg की मिली, 123 किलोग्राम, तो वेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, सेम वेट के साथ आती है। और मैं कहूँगा ज़्यादा हैवी नहीं है और ज़्यादा लाइट भी नहीं है, मीडियम साइज पकड़ सकते हैं और कोई भी इसे आराम से चला सकता है। अगर आपकी हेल्थ, मतलब आप दुबले पतले भी होंगे तो आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं, आपको चलाने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, हेवी नहीं लगेगी बाइक। अब बात कर लेते हैं टैंक कैपेसिटी की, तो इसके अंदर आपको टैंक कैपेसिटी 12 लीटर की देखने को मिलती है। एज कम्पेयर टू ओल्ड वन थोड़ी टैंक कैपेसिटी बढ़ गई है, क्योंकि ओल्ड मॉडल में आपको टैंक कैपेसिटी कम देखने को मिलती है, तो ये एक बेटर देखने को मिलता है नया अपग्रेड स्प्लेंडर या फिर सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक के अंदर। तो गाइज अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ इसकी आवाज़, आपको आवाज़ कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना। जैसे कि गाइज आपने सुनी इसकी आवाज़, आपको आवाज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। और साइलेंसर का जो साइज़ है थोड़ा छोटा कर दिया गया है, ज़्यादा बड़ा नहीं लगता, अच्छा लगता है, और इसके ऊपर क्रोम की फिनिश देखने को मिल जाती है इसके ऊपर, तो नया लुक है साइलेंसर का। और मैं कहूँगा आवाज़ इसकी मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा स्मूथ लगी प्रीवियस मॉडल के कंपेरिजन में, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड परफॉर्म कर रही थी, जैसे मैं एक्सेलरेट कर रहा था बहुत ही मिनिमल से वाइब्रेशंस थे, मतलब वाइब्रेशंस ना के बराबर थे, इतने ज़्यादा स्मूथ लग रही थी जैसे मैं एक्सेलरेट कर रहा था।
तो वाइब्रेशन की बाइक भी नहीं है, मतलब वाइब्रेशन वाला इंजन देखने को नहीं मिलता इसके अंदर। सो गाइस अब बात कर लेते हैं सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक की ऑन रोड प्राइस की। अगर आपको हीरो ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप शांत मनी साई हीरो उदगीर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल मिल जाएगा। मैप लिंक मीन्स एड्रेस लिंक। और इसकी ऑन रोड प्राइस आपको शांत मनी साई हीरो उदगीर में पड़ती है 1,07,000। 1,07,000 रुपये के अंदर आपको अच्छा खासा पैकेज देखने को मिलता है, जैसे कि आपको LED हेडलाइट देखने को मिलती है, नए ग्राफिक्स हैं, BS6 फेस 2 इंजन है, E20 पेट्रोल को सपोर्ट करता है, और यहाँ पर स्प्लेंडर एक्सटेक का फिर फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है। तो इसके प्राइस के हिसाब से आपको अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देखने को मिलता है। इंजन भी बहुत ज़्यादा स्मूथ लगा मुझे, और मैं कहूँगा इसका मैंने टेस्टेड रिव्यू तो अभी तक किया नहीं, करने वाला हूँ। और प्रीवियस मॉडल जो कैनवस ब्लैक कलर आता था इसका मैंने टेस्टेड रिव्यू किया था, तो मुझे पिकअप में कोई कमी नहीं लगी और इंजन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। आई बटन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। और रही बात इसकी, तो 1,07,000 ऑन रोड पड़ती है सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। अब इसके अंदर आपको अच्छा खासा पैकेज देखने को मिलता है। अगर आपका बजट 1,10,000 तक चल रहा है तो ये एक पैकेज आपको अच्छा देखने को मिलता है। और इससे स्पोर्टी बाइक चाहिए तो आपको हीरो ब्रांड से ही लेना है, तो ग्लैमर एक्सटेक भी देखने को मिल जाती है। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक BS7 मॉडल का डिटेल में रिव्यू दिया। आपको बाइक कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइज बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइज।